नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इस योगा प्रोग्राम की जर्नी में आपका स्वागत है। आज का अभ्यास बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज हम वार्म अप सीखेंगे। ये वार्म अप काफ़ी क्रूशल रहता है हर एक अभ्यास के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम एंकल रोटेशन करेंगे। तो आप जिस अवस्था में अभी खड़े हैं उस प्रकार भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बैलेंस करने के इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। दोनों पैरों को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे 6 times। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा बैलेंस करके करूँगा। एक पैर हल्का सा उठाऊँगा और लेफ्ट लेग से क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा। इसमें आप कोशिश करें नीचे जाते हुए श्वास लें, ऊपर आते हुए श्वास छोड़ें 6 times। ब्रीदिंग के साथ जितना एडजस्ट करेंगे मूवमेंट उतनी स्मूथ और आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स रहेगी। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ठीक इसी प्रकार अपने दूसरे एंकल से भी करना है। ठीक इसी प्रकार आप दूसरे एंकल से करेंगे। इसमें मैं खड़े होकर आपको दिखाऊंगा। आप ये रखा क्लॉकवाइज रोटेशन, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब हम थोड़ा पैर को उठाएंगे, मार्चिंग करेंगे। ये मूवमेंट धीमे धीमे करेंगे, जल्दबाजी अभ्यास में नहीं करेंगे। आनंद लेंगे अभ्यास का, मूवमेंट को स्लो रखेंगे। इसे भी 30 सेकेंड से 1 मिनट के आसपास जरूर करें। इससे आपके पैरों में सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा और जो टाइटनेस होती है, वो नंबनेस होती है, अकड़न होती है पैरों में, वो इससे दूर हो जाएगी। जितना आपसे हो सके उतना अवश्य करेंगे। थकना नहीं है, सिर्फ वार्म अप करना है। उसके बाद अब हम कमर घुमाएंगे 6 बार गोलाकार में। उसी प्रकार इसे उल्टा भी करेंगे। आगे आते हुए श्वास लेंगे और पीछे आते हुए श्वास छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं। इन्हेल, जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं बनाएं। ब्रीदिंग के साथ इस अभ्यास को फॉलो करते जाएं। सिक्स टाइम्स। इससे उल्टा भी करेंगे, इस बात को ध्यान रखें। अब हम यहीं से ऊपर की डायरेक्शन की ओर बढ़ेंगे, शोल्डर जॉइंट्स घुमाएंगे कुछ इस प्रकार 6 times क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज। पीछे जाते हुए इनहेल, आगे आते हुए एक्सहेल करें। इनहेल, ब्रीदिंग के साथ अपनी मूवमेंट को जोड़ते चले जाएं ताकि आपको अभ्यास में थकावट महसूस ना हो और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव जरूर रखें। जितना आप इसको ऑब्जर्व करके करेंगे उतने ही आपके मन में कोई विचार उत्पन्न ही नहीं होगा। आपको महसूस होगा कौन सा हिस्सा थोड़ा अकड़ा हुआ है, कौन सा हिस्सा काफ़ी ईजली मूव हो पा रहा है। ठीक इसी प्रकार से उल्टा भी अवश्य करें। अब हम एक योगा बेल्ट का प्रयोग करेंगे। आप घर में टावल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेडीज़ आप चुन्नी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने शोल्डर विड्थ अकॉर्डिंग के इसको आप खोल लेंगे। उसके बाद इसको दाएं और बाईं ओर जाना है। नीचे जाते वक्त आपको श्वास लेना है और ऊपर आते वक्त श्वास छोड़ना है। चलिए 6 बार दोनों डायरेक्शन में करते हैं। श्वास लें और नीचे जाएं, हाथों को खींचना आगे की ओर और फिर श्वास छोड़ते ऊपर। श्वास लेते हुए नीचे, फिर श्वास छोड़ते ऊपर।
जितना नीचे आप जा सकते हैं अवश्य जाए। श्वास लेके नीचे, श्वास छोड़ते ऊपर, श्वास लें, श्वास छोड़े ऊपर, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब बेल्ट का प्रयोग करते हुए एक दूसरा अभ्यास भी करेंगे, यह है मॉडिफाइड कटी चक्रासन। शोल्डर विड्थ अपार्ट अपने हाथ खोल लेंगे थोड़ा से, ये ढीला ना हो, मेक श्योर ना आपका बेल्ट या तोले ढीला ना हो, और दाईं ओर जाएं, श्वास लेते पीछे जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएं, श्वास लेके पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे, इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे, इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे, इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे। छह बार अवश्य करें दोनों साइड से, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। जब कभी आपको श्वास लेने में परेशानी हो रही हो तो आप ध्यान रखें नाक से श्वास लें और मुंह से धीमा धीमा श्वास छोड़ें, इससे घबराहट नहीं होगी, जो आपको शरीर में थकावट, गर्मी, हीट प्रोड्यूस हो रही होगी वो कम हो जाएगी। तो चलिए अब हम अगले अभ्यास के बढ़ते हैं, इसमें बेल्ट का ही प्रयोग करते हुए आपको पीछे की ओर ले जाना है फिर आगे। किस प्रकार, जैसे इनहेल पीछे गए, कोशिश करें यहाँ पर कोनिया कम से कम बेंड हो, फिर एक्सहेल करते हुए आगे। तो हाथों में डबल गैप कर लेंगे शोल्डर के, जितना इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे। ध्यान दें जो आपका स्पाइन है वो न्यूट्रल आकार में ही रहेगी, उसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके हाथ मूव करने चाहिए। ऐसा हो सकता है इस मूवमेंट में आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, पर कोशिश करें आर्म्स को, एल्बोस को हल्का ज़्यादा बेंड कर दें पर मूवमेंट धीमा धीमा ही करें। तो चलिए दोबारा देख लें एक बार, छः बार करना है, हल्की से हल्का एल्बो बेंड, हल्की कोहनी मुड़ी हुई सही है, इससे आपके शोल्डर्स, शोल्डर में जो अकड़न रहती है सर्वाइकल, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, तनाव कम होगा, नींद अच्छी आएगी, और जो गले में दर्द होती है, माफ़ी चाहूँगा, जो कंधों में दर्द होती है वो इससे काफ़ी ईज आउट हो जाएगा। इसे भी 6 times करना है। ब्रीदिंग इसमें आपकी इस प्रकार रहेगी कि आपकी श्वास पीछे लेते हुए आप श्वास लेंगे और इसी प्रकार श्वास छोड़ेंगे आगे के आते हो, आगे आते हो। अब हम इसको नीचे रख देंगे आराम से, अब हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे दाएं बाएं। इसमें हम ध्यान रखेंगे श्वास लेते हुए आप दाईं ओर जाएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आएंगे, ठीक इसी प्रकार बाईं ओर जाते हुए श्वास लेंगे और उसी प्रकार श्वास छोड़ेंगे जब आप सेंटर में आएंगे। तो चलिए ये पहली एक्सरसाइज है, इसमें दो मॉडिफिकेशन और है नेक मूवमेंट में। चलिए शुरुआत करते हैं, श्वास लें दाईं ओर जाएं, श्वास छोड़ें, श्वास लें बाईं ओर, श्वास छोड़ें, इनहेल राइट सेंटर, एक्सहेल, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल सेंटर,
इनहेल राइट, एक्सहेल सेंटर, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल सेंटर, टू मोर, इनहेल राइट, एक्सहेल सेंटर, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल सेंटर। अब ठीक इसी प्रकार इनहेल करते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे, छह बार करेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसमें अक्सर देखा गया है कि जब आप हम पीछे की तरफ लेके जाते हैं नेक को, चक्कर आते हैं। काफ़ी बार ऐसे मैं लोगों के साथ देखा है, काफ़ी बार हमने जब लोगों को सिखाया तो लोगों को ऐसा महसूस हुआ। तो उस वक्त आप ये ध्यान रखें, एक तो श्वास पर आपको एकाग्रता बनाए रखनी है, आपकी श्वास ऊपर जाते वक्त रुकनी नहीं चाहिए, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आँखें बंद नहीं होनी चाहिए, इस बात का सदैव स्मरण रखें। अब हम गोलाकार में घुमाएंगे इसको और कोशिश करेंगे श्वास लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, श्वास छोड़ते आगे की तरफ, और उसके बाद उल्टा भी घुमाएंगे 6 टाइम। चलिए शुरुआत करते हैं, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आपको ये महसूस करना है कि आप दोनों डायरेक्शन तक इक्वली नेक को मूव कर पा रहे हैं नहीं, कौन से हिस्से में अधिक अकड़न है, कौन सा हिस्सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। जितना ये आप महसूस कर पाएंगे, पहचान पाएंगे, उतना ही आपको अपने अपने स्वास्थ्य के लिए बेनिफिट मिलेगा। आप इजीली अपने बॉडी को इम्प्रूव कर पाएंगे, आपको ये मालूम होगा कि मुझे किस हिस्से पर काम करना है। ठीक इसी प्रकार अब उल्टा भी घुमाएंगे, इनहेल पीछे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल करेंगे। अब हम अगले अभ्यास के ऊपर थे, वो है रिस्ट रोटेशन। गोलाकार में घुमाएं इसको अच्छे से, और से इसी प्रकार ऑपोजिट भी, हर एक अभ्यास के आप राउंड्स अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। हमने हर एक कोशिश करी कि हर एक अभ्यास हम 6 बार करें, आप इसको 8 या 10 भी कर सकते हैं। हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में आपकी हर्ट बीट एक नॉर्मल पेस पे चलती है, पर धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं तो हर्ट बीट आपकी धीरे धीरे तेज़ होनी शुरू होती है। जब हर्ट बीट आपकी एक लिमिट तक कंफर्टेबल तेज़ चले, जिसमें आप आराम से अच्छा महसूस कर रहे हो, ब्रीदिंग सामान्य चल रही हो और पसीना अधिक नहीं आ रहा हो, तो इसका मतलब ये है आपकी बॉडी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आप कंफर्टेबल स्थिति में हैं। हमेशा उस स्थिति का ध्यान रखना है जब आपकी श्वास फूलने लगे और आपको पसीना अधिक आए, तब उस दौरान आपका दिल ज़्यादा धड़कता है। तो कोशिश करना ये आखिरी वाला जो स्टेज है वहाँ तक आप ना पहुँचें। पूरा ध्यान रखें कि आपकी श्वसन गति सामान्य चलती रहनी चाहिए। जल्दबाजी करेंगे तो आप जल्दी थकेंगे और आपको इस अभ्यास का आनंद नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ इस अभ्यास को आप नियम से करेंगे
ताकि आपको अपने स्वास्थ्य के जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो अवश्य मिले। क्योंकि आप भी जानते हैं, आधे अधूरे एफर्ट्स पूरा रिजल्ट नहीं देते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।